वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लेट एस टॉक अबाउट द नेक्स्टेड टू राइटिंग इन सिटी लाइफ सो इन द लास्ट टॉपिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ अर्बनिज्म इन मेसोपेटामिया सो विल भी टॉकिंग मोर अबाउट दैट सो सटेन फैक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैसोपेटामिया की ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल अप्रोच क्लियर किया उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे इंटरडिपेंडेंसी है लोगों के बीच में एंड बिकॉज फार्मर को एक टूल की ज़रूरत है प्लॉ की तो उस प्लॉ के लिए उसे एक टूल मेकर से बात करनी पड़ती थी देन फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए उसको भी एक सेलर की जरूरत है तो वो बेसिकली किसी बायर को ढूंढेगा जो उसकी फसल को खरीद सके जो मार्केट में आगे सेल कर सके तो एवरीबडी वॉज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट का क्रिएशन हुआ एंड मार्केट की क्रिएशन की वजह से मेसोपोटामिया में अर्बनिज्म का क्रिएशन हुआ नाउ यू सी स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है हमेशा जरूरी नहीं होता कि जहां पे मार्केट बने वहीं पे शहर बने कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिलीजियस प्लेसेस होती हैं जो एक्चुअली में सेंटर होती हैं और उनकी वजह से कुछ एक्टिविटीज उनके आसपास डेवलप होती हैं जिन वजह से भी शहर बनते हैं अब आई गेस आप जिस शहर में रह रहे हैं उसके डेवलपमेंट को आप बहुत ईजिली एसोसिएट कर पाएंगे राइट सो टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया तो टेम्पल्स मेसोपेटामियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे उनकी माइथोलॉजी में उनके क्ले टैबलेट्स में उन्होंने ऐसी कई बातें लिखी थी बहुत सारी

The god also has a house. This is what they used to believe. They used to provide a lot of offerings to God. ऑफरिंग सचेज करड फेस ग्रेन इस तरह के ऑफरिंग गॉड को देते थे और ये ऑफरिंग देने का मतलब इसलिए था बिकॉज दे यूज टू थिंक दैट गॉड इज देयर ओनर ऑफ द फील्ड बिकॉज मोस्टली लोग फार्मर्स एंड पास्टरल्स हैं तो उन्हें लगता था कि हमारी जो ये पूरी की पूरी फसल है इसके भगवान इसके जो मेन मालिक हैं वो भगवान है दैट इज वाई वट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग सो दीज ग्रेन्स आर सपोज टू बी ऑफर्ड टू गॉड दिस इज व जनरल इंटेंशन वॉज फाइन सिंस देर आर सो मेनी पीपल हु आर कमिंग अगेन एंड अगेन नियर बाई टेम्पल्स अपनी ऑफरिंग प्रोड्यूस करने के लिए आते हैं देने के लिए आते हैं continuously गॉड से मिलने के लिए आते हैं तो so, lot of activities were conducted nearby the temples activities such as oil pressing प्रेसिंग ऑयल प्रेसिंग में भी बिकॉज उन्हें दिया वगैरह लगाना होता होगा ग्रेन ग्राइंडिंग की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलती थी क्योंकि इतना सारा ग्रेन डोनेशन में आता है तो उस ग्रेन को क्या करेंगे आप ग्राइंड करेंगे तो ग्राइंड और कहीं क्यों करेंगे जहाँ ग्रेन का इतना सारा सोर्स इकट्ठा हो रहा है वहीं पर करेंगे तो स्पिनिंग होती थी वीविंग होती थी सो दीज ऑल एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म नियर बाय द टेम्पल्स अब सोचिए यहाँ स्पिनिंग चल रही है यहाँ ग्राइंडिंग चल रही है वीविंग चल रही है सिमिलरली ऑयल प्रेसिंग चल रही है सो वेन ऑल दीज एक्टिविटीज वर कंडक्टेड नियर बाई टेम्पल वट हैपन इज कि ये पूरी की प्लेस ही अपने आप में क्या डेवलप होने लगी अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज एंड सिंस अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज जनरली रिफर्ड एज अ मार्केट दैट इज वाई सम ऑफ द टाउन्स इन मेसोपोटामिया टाउन सच एज उर उरूक वर द कॉमन टाउन्स जिनकी वजह से क्या हुआ दे डेवलप्ड लाइक अ टाउन बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ टेम्पल्स सो जस्ट हैव लुक एट द मेजर गॉड्स जिनकी ये वर्शिप करते थे सो गॉड इज़ उर जिनके टेम्पल को ये वर्शिप करते थे गॉड इज़ दगन दगन इज बेसिकली द गॉड ऑफ स्टेप्स तो जो स्टेप्स ग्रास है उनके भगवान दगन माने जाते हैं देन देर इज अ गॉडेज इनाना इनाना इज अ गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर फाइन उर इज़ कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ विजडम एग्रीकल्चरल फील्ड का ओनर भी माना जाता है उर को तो उर इनाना दगन दीज आर द थ्री मेजर गॉड्स ऑफ मेसोपोटामिया फाइन सो टेम्पल्स मेसोपोटामियंस के लिए एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं एंड सिमिलरली मेसोपोटामिया के जो किंग्स हैं उनका भी उतना ही एसेंशियल रोल है इन टेम्पल्स को आगे बढ़ाने में सी आप इंडिया uh, के भी टेम्पल देखिए एनी एंशियन टेम्पल ऑफ इंडिया किसी ना रा, किसी राजा ने बनवाया होगा हार्डली आपने कभी सुना होगा कोई कॉमन मैन टेम्पल बनवाता है राइट बिकॉज इट टेक्स अ लॉर्ड ऑफ Uh, offering, it takes a lot of money to create that temple, and it's only king and very wealthy men can construct something like that. Like the North Indian, most of the temples are built by the generous kings, while the South Indian temple, some of them were also built by the merchants. So Mesopotamia ki jo kings hai, they also played a very important role here. They did a lot of precious offerings.

and kings are itself a very इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एंड दैट इज हाउ दैट्स ऑल वी नो अबाउट द मेस्ट पटामियन टेम्पल बट इनकी रिलीजियस बिलीफ की अगर बात करें तो इस टाइम पर बेटा कोई रिलीजन एग्जिस्ट नहीं करता देट इज़ वाई हम रिलीजन uh, जैसे कॉन्सेप्ट को इसमें नहीं मानेंगे बट तो ये मान सकते हैं कि दे आर मोस्टली नेचर वर्शिप पर जो भी उन्हें नेचर ने 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 से मिलता है जैसे स्टेप ग्रास लैंड है तो स्टेप ग्रास लैंड का भगवान हो गया जैसे कि विजडम है तो देडरस्टैंड तो वो हो गए गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर बिकॉज दे कंटिन्यूसली सी वॉर मैसेकर इन दियर सिविलाइजेशन

सो उर का एक्सकेवेशन अराउंड 1854 हुआ कुछ जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को एक्सकेवेट किया एंड आई डू टोल्ड यू दैट आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली में से पिटामिन साइट स्पेसिली आए बिकॉज दे वांटेड टू प्रूव दैट बाइबल इज़ करेक्ट क्योंकि बाइबल में जो शिमेर की स्टोरी थी उसके बारे में वो जानना चाहते थे उन्हें लग रहा था कि नोआ नाम का कोई आदमी सच में होगा जिसने एक आर्क को लेकर के सारे एनिमल एंड स्पीशीज़ को बचाया होगा सो दैट इज़ वाई दे वॉन्टिड टू प्रूव इट एंड दे वॉन्टेड टू प्रूव इट सो डेलीजेंटली दैट दे एक्चुअली एक्सकेवेटेड द सिटी उर Thank <laughs> you. अब उर्ब उन्होंने एक्सकिवेट किया तो कई सारे फीचर्स उन्हें इस uh, साइट में मिले सच एज दे फाउंड दैट स्ट्रीट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर साइट वर वेरी नैरो विंडिंग नैरो विंडिंग का मतलब होता है कि एक्चुअली तो स्ट्रीट पहले चौड़ी बन रही थी इट वॉज ब्रॉड बट धीमे धीमे वो नैरो हो गई तो so, जो हवा है उसका जाने का पैसेज भी नैरो होता गया मतलब एकदम से हवा जब चलेगी तो इट इट्स नॉट अ गुड वेंटिलेशन सिस्टम विच दे क्रिएटेड दिस डज ऑल्सो शो दैट देर वॉज एन एबसेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन द सिटी ऑफ उर उन्हें नहीं पता था अपने टाउन्स कैसे बनाने हैं दैट इज वाइट कुछ ऐसी स्ट्रीट बनी हुई थी कि यहाँ तक तो कार्ड्स जाते होंगे फिर कार्ड रुक जाती होगी एंड यहाँ से यहाँ पे वो डोंकी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन आगे ले जाते होंगे जैसे गलियों वगैरह में खच्चर यूज होता है है ना तो कुछ इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन वो यूज़ करते थे सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शोज दैट की प्लानिंग uh, प्रॉपरली ना हो अगर तब ऐसा होता है देन सिमिलरली हाउसेज वर वेरी इर इन द शेप इरेगुलर सचेज कुछ अजीब से शेप के कोई स्ट्रांगल कोई रेक्टेंगुलर है कोई स्क्वायर है कोई हेक्सागन जैसा दिखेगा ऐसे अजीब अजीब से शेप के हाउसेस थे ऐसे एक जैसे दिखने वाले हाउसेस नहीं थे कि प्रॉपरली प्लान तरीके से बनाया गया हो ना आई गेस कि इतना पुरानी सिविलाइजेशन से इतना एक्सपेक्टेशन रखना कि देवर वेल प्लान दिस इज इनिशियली टू मच राइट ऑल दो इट्स अ सरप्राइज कि इंडिया में जो इंडस वाली सिविलाइजेशन मिली दे वर वेरी प्लान्ड इन द अप्रोच द वे दे हैव डिजाइन their हाउसेज Although मूविंग फॉरवर्ड इनके ड्रेनेज सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है जनरली ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता है दैट द शेड ऑफ द हाउस मतलब जितना भी आगे का शेड होता है वो बाहर की तरफ निकलता है सो so दैट जब बारिश हो तो आपको पता है कि पानी बाहर गिर जाए एंड that इज़ वाई drains जो हैं, वो घर के किनारे लगे होते हैं जो नालियाँ घर के किनारे होती हैं उनमें बारिश का पानी गिरता है एंड दे ऑल मूव आउट समवेयर बट मैसोपोटामिन का दिमाग बड़ा उल्टा था इस केस में उन्होंने बाहर शेड निकालने की जगह घर के अंदर ही शेड निकाली थी इनकी रूफ जनरली ओपन होती थी और बीच में कुआं होता था फाइन सो so, उस कुएं के नीचे ही गड्ढा होता था एंड दीज एक्चुअली इनवर्ट तो जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी घर के बाहर नहीं घर के अंदर ही जाता था और घर के अंदर जाने से क्या होता था वो इस कुएं में भर जाता था तो पानी सारा यही भर जाता था तो बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट है जो बारिश के साथ आएगा वो नीचे सेटल हो जाएगा एंड 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 द लिक्विड वेस्ट विल विल बी बी एज अ वाटर इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन स्टूडेंट्स ये भी होगा कि ये जिस जगह पर रहते हैं वो एक डेजर्ट एरिया है तो मे बी पानी को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला होगा तो ये एक बड़ा स्ट्रेन सिस्टम था अपने आप में ड्रेनेज सिस्टम जो बाद में कभी ऐसा देखा नहीं गया सिमिलरली द हाउसेज मेड इन सच अ वेटर बिलो ग ग्राउंड लेवल फाइन बिलो ग्राउंड लेवल करने का भी रीजन यही होगा कि शायद ठंड बनी रहे जैसे जो अंडरग्राउंड ग्राउंड हाउसेस होते हैं उनमें ठंड ज्यादा होती है तो टेम्परेचर है सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं हम आज की डेट में इराक ईरान का एरिया है ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होता है दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट दे मस्ट मेव मेड द हाउस इन दिस वे बट इस वजह से क्या होता था उनकी स्ट्रीट्स जो है वो जनरली ग्राउंड लेवल से ऊपर होती थी तो देखने में बड़ा अटपटा सा लगता था कि सड़कें ऊपर हैं घर नीचे हैं फाइन so, जैसे आपकी हाईवे वगैरह की रोड दिखती हैं कुछ वैसा ही मैसोपोटामियंस का उस टाइम का सेटलमेंट लगता था देन विंडोज वर बिल्ट नॉट ऑन द स्ट्रीट रादर देन इन साइड द हाउसेज तो स्ट्रीट्स के पास कोई भी विंडो नहीं होती थी एक भी ऐसी सड़क के पास खिड़की नहीं दिखेगी रेदर देन वट एवर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट लाइटिंग वॉज देयर इन द हाउस इट वॉज ऑल फ्रॉम द डोर वे तो घर के दरवाजे से लाइट जो आएगी वही लाइट घर में आएगी विंडोज जो है वो कमरों के अंदर बनी होंगी मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में खिड़की बनी होगी वाई वुड समबडी विल डू लाइक दैट तो द कंसर्न वॉज मेनली आर्क्योलॉजिस्ट को लगता है कि कंसर्न प्राइवेसी का था दे डू नॉट वॉन्ट पीपल टू जस्ट पीप इन द विंडो कि कि किसके घर में क्या चल रहा है दैट इज द रीजन दे मस्ट हैव डन लाइक दिस नाउ रूख उर पर्टिकुलरली एक रिलीजियस टाउन है इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग टाउन एंड सिंस इट वॉज इट्स इन एटीन फिफ्टी फोर तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ उर में मिली दैट वॉज अ टाउन सिमेट्री So, these are the prime features of the city of Ur. So, there is what? There is a narrow ending street, there are irregular houses, there are drains, there are underground houses, there is a window which doesn't open on the street. So, the concern of privacy is visible. It's a trading town, it's a religious town, there is a town cemetery. And initially, Ur shows us that Mesopotamian towns were not well planned. And as soon as the archaeologists began to think like that, they excavated another. टाउन द टाउन नेम इज मारी सो मारी फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट ने एक्सकेट किया इन 1933, में उन्हें मिला किंग का पैलेस तो फाइनली मैं में एक पैलेस मिल गया बड़ा सा एंड उस पैलेस को देख के और उसके आसपास के एरिया को देख के क्योंकि स्टेप ग्रास के पास में था तो उन्हें पता चला कि इट्स अ पेस्टरल टाउन और यहाँ पे बहुत सारे हर्डर्स एंड नोमैट्स आते थे दैट इज द रीजन मारी को डिस्ट्रॉय भी बाद में एक नोमैटिक ट्राइब ने किया ट्राइब का नाम था अकार्डियंस राइट right? तो नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में शुरू में ही मैंने बताया था आपको अकादियंस तो ने ही उनको डिफीट किया एंड दस ही मारी एक पेस्टरल टाउन था जहाँ पे बेसिकली लोग अपना प्रोड्यूस एक्सचेंज करने आते होंगे जैसे इफ दे वूल किसी के पास बहुत ज्यादा शीप है तो वो उन शीप के वूल को एक्सट्रैक्ट करके मे बी काउडंग लेने के लिए आते होंगे और आइदर मे बी फॉर डेरी ऑल दीज आइटम्स तो दैट वॉज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज एंड दैट इज हाउ एज अ प्लेस ऑफ एक्सचेंज मारी जो है एक पेस्टरल टाउन बन गया जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पेस्टरलिज्म को ही ज़्यादा प्रमोट करता होगा एंड मे बी उनका जो किंग है वो भी इन पैस्टरल लॉर्ड्स का ही किंग होगा सो दिस इज हाउ मारी डेवलप्ड नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड सिटी द थर्ड सिटी इज़ उरूक उरूक बेसिकली मेसोपोटामियन पटामियन का नाम था जिसको बौद्ध ने एज ए गॉड वर्शिप करने लगे दैट इज वाई उसने जो टाउन स्टैब्लिश किया उसका नाम उरूक पड़ा इट वॉज प्राइमरली सुमेरियन टाउन सो सुमेरियंस का किंग था उरूख जिसने उख नाम का शहर बनाया एंड वो उसकी कैपिटल थी सो दैट दैट इज वन ऑफ द रीजन की उरूक फेमस हुआ बाद में उरुक का फेमस किंग एनमर्कर बना जिसकी हमें वो क्ले टैबलेट मिली एंड उरुक में एक बहुत सुंदर सा इनाना गॉडेस का टेम्पल है राइट एंड इन नाइनटीन थर्टीन उरूक वॉज एक्सकेवेटेड एंड इट वॉज फाउंड आउट दैट उरूक वॉज प्राइमरीली यूज एज अ कॉमर्शियल टाउन सो है लुक एट दीज थ्री टाउन ऑफ मेसोपटामिया वन इज़ उर वन इज मारी थर्ड वन इज उरूक एक उर है जो रिलीजियस टाउन है एक मारी है जो पेस्टरल टाउन है और एक ऊरूक है जो कॉमर्शियल टाउन है इसे ये पता चलता है कि सिविलाइजेशन में जो अर्बनिज्म था वो बहुत एक्सपैंडेड था एंड लोगों को ये पता था कि वो किस तरह के टाउन डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पीपल टाउन डेवलप भी हो रहे थे थे एंड इसी हिसाब से वो चल भी रहे थे राइट right? सो so, अब हम फाइनली चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं सो लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस वीडियो दिस मच इज इनफ थैंक यू